पता नहीं। अरे आप लोग कौन है? हाँ, कौन है ये? हम आपके अपने ही हैं, बस आपको हमें पहचानना है। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है ना? हाँ हाँ, हमारी आवाज आपको जानी पहचानी लगेगी ही ना, क्योंकि हम रोज मिलते हैं थोड़ा सॉप पे। अरे अब्दुल, अरे बागा भाई, सरप्राइज तो ये है। अरे अरे अब्दुल मियां, बागा ए दोनों। हां बागा और अब्दुल, वाह। नटू काका है भाई? वो नटू काका गांव गए हैं। मेरा एक दोस्त है धूला, वो गाड़ी लेकर उंधाई गांव जा रहा था, तो नटू काका भी उनके साथ चले गए। वैसे भी वहाँ पे ग्रीन जोन है, तो थोड़ा नटू काका को आराम हो जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। अभी हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, वो कहानी बताई गई कई कहानियों में से एक है। मैं मोदक हूँ, पापा को सबसे प्रिय हूँ। मैं पापा का सबसे प्रिय हूँ मूषक, पापा मुझ पे ही सवारी करते हैं। नहीं, मैं सबसे प्रिय हूँ। मैं प्रिय हूँ। नहीं, मैं सबसे प्रिय हूँ। नहीं, मैं प्रिय हूँ। मैं सबसे प्रिय हूँ। मैं प्रिय हूँ। मैं प्रिय हूँ। मैं सबसे प्रिय हूँ। अरे 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 भाई, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? भाई इसमें कम ज्यादा कुछ नहीं होता, तुम दोनों ही पप्पा को प्रिय हो, और पप्पा तो दुनिया में सबसे प्यार करते हैं। एकदम सही कहा आपने, है ना? तो आगे बढ़ो। हाँ तो मैं बताऊंगा कि मैं पापा को इतना प्रिय क्यों हूँ। जब भी मेरा भोग लगता है, पापा बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे पापा क्यों पसंद करते हैं पता है? एक बार बाल गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती के साथ वन में अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के घर भोजन करने के लिए गए थे। शिव जी और गणेश जी दोनों को बहुत भूख लगी हुई थी, पर अनसुईया जी ने कहा बाल गणेश जी के भोजन करने के बाद ही सब भोजन करेंगे। बाल गणेश जी को एक के बाद एक भात भात के पकवान परोसे गए, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। उनकी तो भूख के मारे हालत खराब हो गई होगी ना? हाँ, पर नटखट बाल गणेश जी तो खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। सब परेशान कि क्या करे। तब माता अनसुईया एक मिठाई लेकर आए और गणेश जी को खिलाई, और मिठाई खाते ही गणेश जी तृप्त हो गए, फिर उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर माता पार्वती ने देवी अनसुईया को पूछा कि आपने बाल गणेश को ऐसा क्या खिलाया जिससे गणेश जी संतुष्ट हो गए? तब देवी अनसुईया ने मोदक के बारे में बताया। तब से गणपति जी को पार्वती माता मोदक देने लगी। और गणेश जी का मैं प्रिय बन गया। वाह 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 अब्दुल, क्या बात है। अरे वाह, ये मोदक की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। ये बाप्पा, काश मेरी बीवी को भी समझ में आ जाए कि मुझे मीठा कितना पसंद है। अरे बोलो गणपति बाप्पा। आप गणेश जी की सवारी मूषक के बारे में जानते हो? हाँ, मुझे बताएं, मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मेरी कहानी है, मैं खुद बताऊंगा। हाँ, मैं महर्षि पराशर के यहाँ बहुत उधम मचा रहा था, तो पराशर जी गणेश जी के पास सहायता मांगने गए। गणेश जी ने मुझ पर पाश का प्रहार किया, मैं उसमें बंध गया। मैं बंध गया तो मैं पापा की स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से गणेश जी बहुत खुश हो गए और मुझसे कहा जो मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। गणेश जी से प्रशंसा सुनते ही मुझ में अहंकार जाग उठा और मैंने उनसे कहा आप मुझसे मांगिए। गणेश जी ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ। अब मुझे वाहन बनना ही पड़ा, प्रभु मुझ पर सवार हो गए, पर उनके वजन से मैं दब गया।
तब प्रभु ने उनका वजन कम किया और तब से मैं बापा की सेवा में हूँ। बोलो गणपति बापा। थैंक यू। भाई बागा अब्दुल, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने अद्भुत परफॉर्मेंस किया भाई। बिल्कुल, आप लोगों ने जो स्टोरी सुनाई वो सुनने में बड़ा मजा आया। रंग जमा दिया आपने, कमाल कर दिया। थैंक यू। तो अब दिल थाम के बैठिए, मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके सामने आ रहे हैं मेरे सेठ जी और गोकुल अंकल जी। ये भिड़े पड़ेगी अभी एक फेंट जी। जा। हाँ नमस्ते बापा। मैंने कहा बापा नमस्ते। अरे आप तो ऐसे देख रहे जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है। अरे हाँ, कहाँ से पहचानोगे आप मुझे, मैं ये सब ताम झाम पहन के आया हूँ ना। एक मिनट है बापा। अभी पहचाना? हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, जय गणेश बापा, जय गणेश। हैं? ए पीपी सूट पहन के क्यों आए हो? या बापा, आप भी जान के भी अनजान बन रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है ये कोरोना की महामारी फैली हुई है? पता है ना? तो फिर? अरे नहीं नहीं बापा, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। शुभ शुभ बोलिए बापा, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। मुझे कोरोना ना हो इसलिए पहन के आया हूँ। हाँ लेकिन बापा ये क्या है, ये कोरोना क्या है, क्यों है? पूरी दुनिया की वाट लगा के रखी है कोरोना ने। ना कोई किसी से मिल सकता है, ना कोई कहीं जा सकता है, ना कोई कहीं आ सकता है। सब अपने ही घर में कैदी बने हुए है। और क्यों, आखिर क्यों, क्या गलती है हमारी? नहीं, मैं मानता हूँ दुनिया में सब इंसान अच्छे नहीं होते, उसमें कुछ कन्नड़गत वाले भी होते, मतलब थोड़े बहुत बुरे भी होते, लेकिन वो चंद लोगों की वजह से सबको शिक्षा देना, ये कहाँ का न्याय है, हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि एक क्लास में वो एक तूफानी छोकरे की वजह से टीचर पूरे क्लास को शिक्षा देती है। तो आपने पूरी दुनिया को चुप करके सबको अपने अपने घर में बिठा दिया। कोई कुछ कर सकता नहीं है, बस बैठे रहो घर में। हाँ, थोड़ी जरूरी चीजों की खरीदी करने के लिए चंद घंटों के लिए पेरोल पे छूटते हैं हम लोग, लेकिन बाहर भी हम लोग पहले की तरह से ना फ्री माइंड से एकदम ऐसे टहलते टहलते नहीं जा सकते। नहीं 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 नहीं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मास्क पहना के नहीं, और सैनिटाइजर की छोटी बोतल जेब में ली के नहीं, फिर वो ये ग्लाउज पहने के नहीं, फिर वो बाहर निकले तो लोगों से दो गज की दूरी अपने बना के रखी है के नहीं, और फिर जहाँ दुकान पे हम लोग जाते हैं खरीदी करने वहाँ लाइन बापा। अरे कितनी बड़ी लाइन, मतलब चंद चीजें खरीदने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और जब नंबर आता है तो जरूरी नहीं कि हमें जो चीज चाहिए वो मिले ही मिले, नहीं थोड़ी बहुत चीज मिल जाती है, और वो चीज हम लोग लेके घर पे आए तो घर पे आके भी शांति नहीं है। वो जो सारी खरीदी हुई चीजों को पहले सैनिटाइज करो, फिर अपने को सैनिटाइज करने के लिए नहाने जाओ। सच में कोरोना ने तो सबको धंधे लगा दिए हैं बापा, मतलब जिनके खुद के जो काम धंधे थे वो सब बंद करवा के सबको एक ही धंधे लगा दिए।
और ये कोरोना की वजह से पूरा रविवार खत्म हो गया। अरे पहले हम पूरा पूरा हफ्ता रविवार की राह देखते थे। हा हा हा, रविवार आएगा छुट्टी का दिन, सुबह उठते ही गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, साथ में पपैया का संबारा और तड़ेला मरचा का नाश्ता, साथ में काठियावाड़ी कड़क मसाला चाय, दोपहर को दाल ढोकड़ी, शाम को पानी पूरी। ओ या दाल वड़ा या पेटिस या पात्रा या खांडवे का हल्का नाश्ता, और रात का ऐ ना मक्खन से लबा लब पाव भाजी। और पाव भाजी के बाद केसर पिस्ता की आइसक्रीम या मैंगो मिल्कशेक या फिर तो काला खट्टा या कच्ची कैरी वाला गोला। टप्पू तेरे पापा को बोल बस करे यार, मुंह में पानी आ रहा है। हा हा, क्या रविवार होता था पापा, क्या रविवार होता था। लेकिन गया, ये कोरोना की वजह से रविवार का अस्तित्व ही मिट गया। पापा, हम सबकी जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई है, कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, सब कोरोना के हाथ की कठपुतली बने हुए है। कुछ कीजिए पापा प्लीज, हमें इस परिस्थिति के चुंगल से बचाइए पापा, प्लीज पापा, हम सबको हमारी पहले वाली जिंदगी वापस लौटा दीजिए पापा प्लीज। आपको पता है पापा, ये कोरोना की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है, कितने लोगों के वर्षों पुराने धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई है, कितने लोग हताश होकर गाँव वापस चले गए। बहुत तकलीफ है पापा, बहुत बहुत तकलीफ है, हम कहाँ जाए, किसके सामने फरियाद करें, प्लीज कुछ कीजिए पापा प्लीज, सच में बहुत तकलीफ है पापा। मैं मानता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है, पर तुम लोग पृथ्वी पर कितना उधम मचाते हो, गाजर मूली की तरह जंगल काटते हो, समुद्र को भर भर के बिल्डिंग्स बनाते हो, पशुओं की कितनी हिंसा होती है, मनुष्य एक दूसरे पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए कितना अत्याचार करते हैं, खाने पीने की चीजों में केमिकल्स मिलाते हो, प्रकृति की हर चीज को छिन्न भिन्न कर देते हो, और अगर कष्ट हुआ तो उसका उत्तरदायी ईश्वर। लेकिन वत्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये परिस्थिति भी बदल जाएगी, बस एक दूसरे और जीव मात्र का ध्यान रखो, पर्यावरण की रक्षा करो,
फिर देखो बिना रोक टोक लोग एक दूसरे को मिल सकेंगे, खुशियां फूलों की तरह बरसेंगी और शीघ्र ही ये दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति। थैंक यू। वाह वाह जेठालाल, क्या बात है। वाह वाह जेठा भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तुमने तो प्रभु के साथ संवाद करके हम सब में एक नई आशा और सकारात्मकता का संचार कर दिया। बिल्कुल, और इंसान को उसकी गलतियों के बारे में बता भी दिया। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आप सबके सामने आ रही है अब कौन आएगा, सबका परफॉर्मेंस तो हो गया है ना, और तुम्हारा ही लास्ट था। हाँ पता है अय्यर भाई, मेरा परफॉर्मेंस लास्ट था पता है, फिर भी मैं बोलूंगा। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रही है टप्पूसेना। टप्पूसेना? लेकिन जेठालाल टप्पूसेना का परफॉर्मेंस तो हो गया ना। अरे हो गया, लेकिन वो आभार विधि बाकी है ना भाई। अच्छा यू मीन वोट ऑफ थैंक्स? वोट नहीं, इधर चुनाव थोड़ी है बबीता जी। वोट नहीं नहीं, अरे जेठालाल ये वो वोट नहीं है, वोट ऑफ थैंक्स मतलब धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करना, आभार विधि जो तुम कह रहे हो। नहीं तो बोलना मैं आभार विधि। हाँ वही भाई, आ जाओ। हमारे प्यारे गोकुलधाम वासियों, इस भक्ति में रंगारंग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। अरे तुम लोगों को धन्यवाद है बच्चों, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। आप सभी के उत्साह के वजह से ही इस वर्चुअल प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। यस, और आप लोग हमेशा के जैसे टप्पू सेना पर इतना भरोसा रखते हो, ओए उसके लिए भी थैंक यू सो मच जी। अरे बेटा आप लोग हर बार काम ही इतना अच्छा करते हैं, हम विश्वास न करें तो क्या करें, हर बार बहुत बढ़िया करते हैं आप। थैंक यू। और टप्पू सेना, इस प्रोग्राम में तुमने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया है। यस। हाँ, इन सबका खर्चा आएगा ना तब पता चलेगा। आप निगेटिव सोचते हो, टप्पू सेना जो भी करती है वो समझ के करती है। थ्री चीयर्स फॉर टप्पू सेना। हिप हिप। अच्छा सुनिए, जैसा कि टप्पू सेना ने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए मिलेगी एक गिफ्ट। वाह वाह, जो जल्दी ही आप सबको आपके घर पर मिल जाएगी। वाह वाह, थैंक यू जी। अभी गिफ्ट का अलग से खर्चा। आप क्यों चिंता करते हो, बच्चे हैं ना, उन्होंने बंदोबस्त किया होगा अच्छे से। अच्छा भिड़े अंकल, आज के इस प्रोग्राम के लिए आपकी तरफ से कोई विशेष टिप्पणी? नहीं बिल्कुल, टप्पू सेना वाकई तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया आयोजन किया प्रोग्राम का। थैंक यू। लेकिन जो खर्चा हुआ है उसमें छान तो अप्रतिम कार्यक्रम हुआ, एकदम सुंदर। हाँ कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा हुआ, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू। तो मेरे प्यारे कुकुलम वासियों, आज का ये भक्ति में रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भाई धमाल कार्यक्रम, आप भी कहेंगे जबरदस्त कार्यक्रम हुआ गणेशोत्सव 2020 का गोकुलधाम सोसाइटी में। हम सभी गोकुलधाम निवासियों ने एक के बाद एक गणपति बप्पा के सामने अपने भक्ति भाव का प्रदर्शन किया और गणपति बप्पा ने भी आशीर्वाद दिया, कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। लेकिन अब समय आ गया, मैंने कल आपसे कहा था टेंशन की बात बताने वाला हूं, तो राज की बात बता रहा हूं आपसे। जैसे परीक्षा के साथ पर्चा, खबरों के साथ चर्चा जुड़ा होता है, ठीक वैसे कार्यक्रम के साथ खर्चा जुड़ा होता है। और जैसे हमारे सैनिक परेड में टेंशन में आ जाते हैं, खर्चे का नाम सुन के भिड़े टेंशन में आ जाते हैं, और खर्चा तो हुआ है भाई, टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोग्राम हुआ है, टप्पू सेना सभी को गिफ्ट्स देने वाली है, गिफ्ट्स भी कमाल के हैं, अलग हैं, यूनिक है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कैसे होगा? और अब हमारे टेंशन मास्टर भिड़े पूरी सोसाइटी को सर पे उठाने वाले हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ जैसे ही टेंशन शब्द आता है आपके घरों में हंसी का सेंक्शन हो जाता है, तो आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.